अली जी एस क्लासेस क्लासेस में में आप आप सभी सभी का का वेलकम वेलकम स्वागत स्वागत और और खैर खैर मकदम मकदम करता करता हूं हूं और और शुरू शुरू करता करता हूं हूं आज आज का का वीडियो। वीडियो। आज आज के के वीडियो वीडियो में में मैं मैं आपके आपके इस इस सवाल सवाल का का जवाब जवाब दूंगा दूंगा कि कि मॉप मॉप राउंड राउंड क्या क्या है है और और इसमें इसमें क्या क्या करना करना है। है। यानी यानी कि कि कल कल एएमयू एएमयू ने ने एक एक शेड्यूल शेड्यूल दिया दिया मॉपअप मॉपअप राउंड राउंड फॉर फॉर ऑल ऑल कोर्सेज कोर्सेज नोटिफाइड। नोटिफाइड। और और ये ये भी भी बताऊंगा बताऊंगा कि कि इसमें इसमें कौन 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 से से लोग लोग एलिजिबल एलिजिबल हैं हैं और और किस 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 सब्जेक्ट सब्जेक्ट की की इसमें इसमें लिस्ट लिस्ट आ आ सकती सकती है है और और इसमें इसमें आपको आपको क्या क्या करना करना है। है। तो तो पहले पहले आइए आइए हम हम समझते समझते हैं हैं कि कि ये ये मॉपअप मॉपअप राउंड राउंड क्या क्या है। है। देखिए देखिए मॉपअप मॉपअप एक एक फ्रेज फ्रेज है, है, यानी यानी कि कि आप आप कह कह सकते सकते हैं हैं इट इट इज इज अ अ राउंड राउंड और और अ अ लिस्ट। लिस्ट। बेसिकली बेसिकली डेट डेट कम्स कम्स आउट आउट आफ्टर आफ्टर ऑल ऑल द द राउंड्स राउंड्स आर आर डन। डन। यानी यानी कि कि जितने जितने भी भी राउंड राउंड का का शेड्यूल शेड्यूल एमयू एमयू ने ने दिया दिया था, था, एमयू एमयू ने ने फार्म फार्म लिस्ट लिस्ट थर्ड थर्ड राउंड राउंड का का शेड्यूल शेड्यूल आपके आपके पास पास दिया दिया था। था। तो तो ये ये राउंड राउंड खत्म खत्म होने होने के के बाद बाद कुछ कुछ सीट्स सीट्स बच बच गई, गई, यानी यानी आप आप कह कह सकते सकते हैं हैं मॉपअप मॉपअप यानी यानी बची बची खुची खुची हुई हुई सीट्स, सीट्स, जो जो कुछ कुछ बच बच गई गई सीट्स सीट्स फिल फिल नहीं नहीं हो हो पाई पाई 3 राउंड3 राउंड के के बाद, बाद, अब अब जो जो बची बची हैं हैं उसको उसको फिल फिल किया किया जाना जाना है। है। तो तो इसी इसी का का नाम नाम है है मॉपअप मॉपअप राउंड। राउंड। यानी यानी कि कि एक एक मशीन मशीन ने ने एक एक शेड्यूल शेड्यूल दिया दिया था, था, उस उस शेड्यूल शेड्यूल के के बाद बाद वाले वाले राउंड राउंड को को कहते कहते हैं हैं मॉपअप मॉपअप राउंड। राउंड। मॉपअप मॉपअप राउंड राउंड में में आपको आपको क्या क्या करना करना है? है? बहुत बहुत सारे सारे लोगों लोगों ने ने कहा कहा कि कि मुझे मुझे क्या क्या आकर आकर यहाँ यहाँ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराना कराना है। है। कुछ कुछ चैनल चैनल वाले वाले कह कह रहे रहे हैं, हैं, वीडियो वीडियो बनाया बनाया है है कि कि यहाँ यहाँ पर पर आकर आकर आपको आपको रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराना कराना पड़ेगा। पड़ेगा। तो तो मैं मैं बता बता दूं दूं कि कि इसमें इसमें ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं करना करना है। है। लोग लोग बगैर बगैर सोचे सोचे समझे समझे नोटिस नोटिस को को नहीं नहीं समझते समझते और और यूं यूं ही ही व्यूज व्यूज के के लिए लिए वीडियोस वीडियोस बना बना देते देते हैं हैं और और बेलावजह बेलावजह आप आप गलत गलत फहमी फहमी में में पड़ पड़ जाते जाते हैं। हैं। आइए आइए आपको आपको मैं मैं ये ये नोटिस नोटिस ही ही दिखला दिखला दूं दूं ताकि ताकि आपको आपको पूरी पूरी तरह तरह से से यकीन यकीन हो हो जाए जाए कि कि इसमें इसमें आपको आपको क्या क्या करना करना है। है। देखिए देखिए यहाँ यहाँ पे पे एमयू एमयू ने ने साफ 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 ये ये लिखा लिखा है। है। क्या क्या लिखा लिखा है है कि कि 2020-21 2020-21 में में जिन जिन लोगों लोगों ने ने अप्लीकेशन अप्लीकेशन दिया दिया था था यहाँ यहाँ पे पे एडमिशन एडमिशन टेस्ट टेस्ट के के लिए लिए किसी किसी भी भी कोर्स कोर्स में, में, स्कूल स्कूल वाले वाले नहीं, नहीं, स्कूल्स स्कूल्स को को छोड़कर छोड़कर है है ये, ये, स्कूल्स स्कूल्स टेस्ट टेस्ट के के लिए लिए नहीं, नहीं, ये ये आप आप 11th इलेवेंथ और और उससे उससे ऊपर ऊपर के के लिए लिए है है ये। ये। इसमें इसमें फर्स्ट फर्स्ट सिक्स सिक्स नाइन्थ नाइन्थ नहीं नहीं है। है। दिया दिया था था उसमें उसमें से से बहुत बहुत सारे सारे लोग लोग कन्फर्म कन्फर्म लिस्ट लिस्ट में में आए आए और और उससे उससे भी भी ज्यादा ज्यादा कहीं कहीं चांस चांस मेमो मेमो वाले वाले लिस्ट लिस्ट में में आए। आए। अब अब कंफर्म कंफर्म वाले वाले लिस्ट लिस्ट की की भी भी एडमिशन एडमिशन हो हो गई, गई, उसमें उसमें से से जिन जिन लोगों लोगों ने ने एडमिशन एडमिशन नहीं नहीं लिया लिया वो वो चांस चांस मेमो मेमो वालों वालों की की भी भी एडमिशन एडमिशन हो हो गई, गई, उसके उसके बाद बाद भी भी चांस चांस मेमो मेमो वाले वाले अभी अभी भी भी बचे बचे हुए हुए हैं। हैं। तो तो अब अब जो जो सीट्स सीट्स जो जो खाली खाली है है उसमें उसमें कौन कौन एलिजिबल एलिजिबल होंगे? होंगे? चांस चांस मेमो मेमो में में जिनका जिनका नाम नाम है है वही वही एलिजिबल एलिजिबल होंगे, होंगे, और और चांस चांस मेमो मेमो में में जिनको जिनको अभी अभी तक तक मौका मौका नहीं नहीं मिला मिला है है वही वही एलिजिबल एलिजिबल होंगे, होंगे, उन्हीं उन्हीं की की इसमें इसमें लिस्ट लिस्ट आएगी, आएगी, यानी यानी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टू मेरिट। मेरिट। उसके उसके बाद बाद रैंक रैंक के के हिसाब हिसाब से से फिर फिर के के सपोज सपोज करिए करिए कि कि किसी किसी में में 150 150 तक तक क्लियर क्लियर हुआ, हुआ, तो तो अब अब उसके उसके बाद बाद 151-152-53 151-152-53 उसका उसका नंबर नंबर आ आ जाएगा जाएगा ना। ना। इस इस तरह तरह से से एक एक हमने हमने मिसाल मिसाल लिया लिया कि कि अगर अगर 150 150 तक तक किसी किसी में में क्लियर क्लियर हुआ हुआ है है तो तो अब अब उसके उसके बाद बाद वालों वालों का का नंबर नंबर आएगा। आएगा। तो तो यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या दिया दिया है है कि कि वैसे वैसे सीट्स सीट्स को को मॉपअप मॉपअप राउंड राउंड फॉर फॉर काउंसलिंग काउंसलिंग कम कम एडमिशन एडमिशन एज एज पर पर अटैच अटैच शेड्यूल शेड्यूल आर आर बीइंग बीइंग नोटिफाइड। नोटिफाइड। यहाँ यहाँ पे पे उन्होंने उन्होंने एक एक शेड्यूल शेड्यूल दिया दिया और और कहा कहा है है कि कि आप आप विजिट विजिट करते करते रहे रहे www.amucontrolerexams.com www.amucontrolerexams.com पे पे आप आप जाकर जाकर देखते देखते रहे। रहे। आपको आपको ये ये नहीं नहीं कहा कहा गया गया है है कि कि आप आप यहाँ यहाँ पे पे आए, आए, यानी यानी आपने आपने तो तो काउंसलिंग काउंसलिंग जितने जितने भी भी चांस चांस मेमो मेमो वाले वाले थे, थे, अगर अगर उन उन लोगों लोगों ने ने काउंसलिंग काउंसलिंग तो तो करा करा ही ही दिया दिया है, है, जिन जिन लोगों लोगों ने ने काउंसलिंग काउंसलिंग नहीं नहीं कराया, कराया, चांस चांस मेमो मेमो में में नाम नाम आने आने के के बावजूद बावजूद जिन जिन लोगों लोगों ने ने काउंसलिंग काउंसलिंग नहीं नहीं कराया कराया है, है, तो तो उन उन लोगों लोगों के के लिए लिए अब अब कोई कोई उम्मीद उम्मीद नहीं नहीं है। है। जो जो चांस चांस मेमो मेमो में में थे थे जिन जिन लोगों लोगों ने ने काउंसलिंग काउंसलिंग करा करा दिया दिया और और उन उन लोगों लोगों का का अभी अभी तक तक क्लियर क्लियर नहीं नहीं हुआ हुआ
इस वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे 23 का डेट दिया गया है, हो सकता है 23 में ना आए, है ना, लेकिन आ जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने पूरा ये एक तरह से एक एक दिन का ही टाइम दिया है, ज्यादा का गैप नहीं है, तो 23 को आ ही जाना है, यानी कि कल, यानी कि कल क्या बल्कि आज ही ये लिस्ट आपको आ जाएगी 23 तारीख में ही। कौन सी लिस्ट आएगी? फोर्थ लिस्ट। तो जाहिर सी बात है कि थर्ड तो आ चुकी है, थर्ड तक, अब इसके बाद फोर्थ आनी है। लेकिन इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसकी दो ही लिस्ट आई, तीसरी नहीं आई, तो यानी कि उसमें अब कोई सीट्स नहीं बची है। तो उसमें किस सब्जेक्ट से आ सकती है? जिस सब्जेक्ट्स में तीन लिस्ट आ चुके और आने के बाद भी कुछ सीट्स खाली बची है, ये मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स की, कौन से कोर्स की, तो जिसकी दो आने के बाद तीसरी नहीं आई, उसके लिए कोई होप नहीं, उसके लिए उम्मीद करना ही बेकार है। जिस कोर्स या सब्जेक्ट में तीन लिस्ट आ गई और वो स्टूडेंट्स ही वेट करें जिनका चांस मेमो में नाम था और जिनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ और जिन लोगों ने काउंसलिंग भी करा दिया था, तो उम्मीद है कि अब आप ये सारी चीज़ें समझ गए कि मॉपअप राउंड क्या है, इसमें कौन एलिजिबल है और किसकी यानी किस सब्जेक्ट की आ सकती है, इसमें आपको क्या करना है। तो मैंने बता दिया मॉपअप राउंड, इसमें एलिजिबल वही है चांस मेमो वाले जिन्होंने काउंसलिंग कराया और अभी तक क्लियर नहीं हुआ, और इसमें किस सब्जेक्ट की आ सकती है, किस कोर्स की आ सकती है, यानी कि जिसकी तीन लिस्ट आ गई उसके बाद उसकी आएगी, जिसकी दो के बाद तीसरी नहीं आई उसकी नहीं आएगी, क्योंकि इससे क्या शो हो रहा है कि वहाँ पे कोई सीट खाली नहीं बची। और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको वेबसाइट पे जाकर आपको चेक करते रहना है लिस्ट आई और अपना रोल नंबर देखना है। उसका देखिए शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने ये दिया, मॉप इसमें भी तीन राउंड दिए गए हैं। मॉपअप राउंड वन क्या दिया है? 23 फरवरी, आज 23 फरवरी को इसकी चौथी लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, ठीक है। और जो जिसमें नाम, जिसका भी इसमें नाम होगा उसको 23 को लिस्ट आएगी और 24 को उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट आप उसको करना पड़ेगा बाय द कैंडिडेट्स ऑन फॉर्म लिस्ट 4 वाले को, इसमें क्या करना पड़ेगा? पेमेंट, ताकि आपका पक्का हो जाए। अब इसके बाद भी अगर खाली बचती है तो, है ना, इसके बाद भी खाली बचेगी तो फिर 25 को आएगी फॉर्म लिस्ट 5, 4 के बाद 5, और ये लोग 26 को एडमिशन करके अपना, सॉरी 26 को पेमेंट करके अपना एडमिशन कन्फर्म कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद भी अगर बचती है कोई कुछ भी सीट्स तो क्या आएगी? डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट 6 आएगी, है ना, इफ रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ी तो फिर ये फॉर्म लिस्ट 6 आएगी और ये 28 को एडमिशन किसका हो जाना है, यानी जिसका भी नाम होगा वो पेमेंट करके अपना एडमिशन पक्का कराएगा। तो ये आप समझ चुके होंगे कि आज इसकी फोर्थ लिस्ट आनी है, यानी कि फॉर्म लिस्ट, और इसके बाद भी अगर जगह बचती है तो 25 को पांचवीं लिस्ट, और इसके बाद भी अगर जगह बचती है तो 27 को छठी। तो ये था मॉपअप राउंड जिसके बारे में आप समझना चाहते थे। उम्मीद है कि अब हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो आप इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई या अभी भी कोई प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।